तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आपका WBJEE एग्जाम के अंदर आता है। हालांकि इसके अलावा काफी सारा कॉलेज है जो कि आपका WBJEE एग्जाम के थ्रू मिलता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट लोग WBJEE एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जब मैं WBJEE एग्जाम दिया था उस टाइम मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए WBJEE एग्जाम दिया था। इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनका कट ऑफ कितना जाता है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप लोग चाहो तो 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। और आप लोगों से एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब भी तो करना है, तो कर दो यार। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है, तो ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग अभी ये कर लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे जाता है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी, और ये कॉलेज जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आपका NIT दुर्गापुर और आपका IIT खड़गपुर को छोड़ के जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ आपका बहुत ही कम फी में आपको पढ़ाई होता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक साल का फी मात्र 12,000 रुपया है। 1.3 करोड़ इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट भी किया है, और इसका एवरेज प्लेसमेंट काफी सारे NIT और IIT को भी टक्कर देता है। तो इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ की बात करें तो आर्किटेक्चर इंजीनियर का कट ऑफ 1160 तक जाता है, और ये जो है सभी का है, ऑल इंडिया। मतलब अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं तब भी है, अगर वेस्ट बंगाल के बाहर किसी दूसरे स्टेट से हैं तब भी, ठीक है। इसमें सभी स्टूडेंट लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। तो देखो आप लोग सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं तब भी एडमिशन ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तब भी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, बस बात यह कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% सीट जो रहता है रिजर्व रहता है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोगों के लिए। तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आपको काफी अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं आपको दो रैंक दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर, देन फिर AI, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर HS, ठीक है। AI का आपका 1160 है आर्किटेक्चर का, और HS का आपका 3198। AI है, AI का मतलब होता है ऑल इंडिया, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आपका ये रैंक होना चाहिए, और HS का मतलब होता है होम स्टेट। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपका रैंक ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो आपका बी फार्मा करने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, ठीक है, तो आपका 953 के अंदर रैंक आपको लाना पड़ेगा, 1000 मान के चलो। वहीं अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो बी फार्मा करने के लिए आपको 2516 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो 422 कट ऑफ गया था इसका लास्ट ईयर का, यानी आपको 400 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। अगर आप लोग होम स्टेट से हैं तो आपको 700 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो 531 का कट ऑफ गया था, यानी 500 के अंदर आपको रैंक लाना पड़ेगा। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो 1111 इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, तो आपको 1100 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की बात करें अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आपको अंडर 60 रैंक लाना पड़ेगा। यहाँ आपका 7 लिखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अंडर 60 रैंक लाना पड़ेगा तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। वहीं अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपको 150 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। अगर OBC कैंडिडेट है तो 50 और बढ़ा लीजिए, यानी 200 के अंदर आना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट है तो आपको 1000 के अंदर आना पड़ेगा तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस जैसे टॉप ब्रांच मिलेगा। यहाँ पर आपका एक और रैंक मिलता है TFW रैंक, ठीक है, लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट लोगों के मिलता है जो वेस्ट बंगाल के होते हैं। तो आपको यहाँ TFW का सीट भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में और कोलकाता यूनिवर्सिटी ये सब जो कॉलेज है इसमें TFW का कोई सीट नहीं रहता, जहाँ रहता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आपको TFW से कोई लेना देना नहीं। देन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 765 इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, आपको 700 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। होम स्टेट की बात करें तो आपका 1760 कट ऑफ गया था, तो आपको 1700 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आपको 400 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो आपको 600 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी आपका सेम है, आपको 400 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के अंदर से हैं तो आपको 600 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 800 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, और यहाँ पे कई कई बार क्या होता है कि 1000 के अंदर रैंक लाने पर भी आपको फूड टेक्नोलॉजी मिल जाता है। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो 2000 के अंदर रैंक आपका आया है, तब यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी आराम से मिल जाएगा। देन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच की बात करें तो 92 इसका रैंक गया था पिछले साल का, इन्हें आपको 90 के अंदर लाना पड़ेगा रैंक अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो। वहीं अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के होम स्टेट कोटा है तो आपको 250 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच पर एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बता दूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है ना फी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 28,000-30,000 के आसपास फी है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी ब्रांच का बहुत ही कम है, 12,000 फी है। देन इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी एक टाइप का ब्रांच होता है, तो 250 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा आपको अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो, वेस्ट बंगाल के तो 400 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 500 के अंदर रैंक लाने पर आपको मिल जाएगा अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो, और वेस्ट बंगाल के हैं तो 1000 के अंदर रैंक लाने पर आपको आराम से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। पावर इंजीनियर के लिए 600 अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो, और वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको 1400 के अंदर रैंक है तब भी आपको मिल जाएगा। और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 1000 के अंदर रैंक है तो आपको प्रिंटिंग इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगा, और 2500 के अंदर रैंक है आपको अगर वेस्ट बंगाल के हैं तब आपको आराम से यहाँ पे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल के बाहर से तो 600 के अंदर रैंक होना चाहिए,
और वेस्ट बंगाल के हैं तो 1000 के अंदर रैंक आपका होना चाहिए। तो ये था आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ। तो काफी सारा ब्रांच है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में और कॉम्पिटिशन भी काफी हाई है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। देन फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ये भी आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और देखो कई बार क्या होता है ना कि पिछले साल की बात करें तो एक स्टूडेंट है जिनका 40,000 के अंदर रैंक आया था, ठीक है, लेकिन उसको भी आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। जूट एंड फाइबर एक ब्रांच है, वहाँ एडमिशन मिल गया था और इसमें सभी स्टूडेंट लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं रहता, जैसे आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% सीट वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोग रिजर्व था, बाकी 10% सीट में आउट स्टेट जो स्टूडेंट है उनका फाइट होता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है ना, ये सभी स्टूडेंट लोग के लिए है। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी कट ऑफ की बात करें, सर्विक इंजीनियरिंग की बात करें तो 34-54 का कट ऑफ गया था नेक्स्ट ईयर का, सॉरी प्रीवियस ईयर का। तो अगर आपका रैंक डब्ल्यू जी के अंदर 3400 के अंदर आता है तब आराम से यहाँ पर सर्विक इंजीनियरिंग मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1800 का कट ऑफ गया था, 1880 प्रीवियस ईयर का, तो 1800 के अंदर आपका रैंक है तो आराम से आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बात करें तो आपका रैंक अगर 1000 के अंदर है तो आपको आराम से कोलकाता यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और ये जो है सभी के लिए, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोगों के लिए भी और वेस्ट बंगाल के बाहर से, तब भी आपका ए रैंक होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो अगर आपका रैंक 1173 आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था, ठीक है, तो आपका रैंक 1173 के अंदर है तो आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें इसका भी लगभग सेम है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 981 आपका गया था कट ऑफ, तो 981 के अंदर रैंक है तो आराम से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 1520 का कट ऑफ गया था, तो 1500 का अंदर आपका रैंक आता है तो आराम से आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और अगर आपका रैंक 2500 के अंदर है तो आपको आराम से ऑप्टिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा कोलकाता यूनिवर्सिटी में। और आपका रैंक अगर 3500 के अंदर है, 3600 के आसपास का है, तब आपको पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी एक ब्रांच होता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी का कट ऑफ। यहाँ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो लास्ट है 35,000-36,000 तक ही कोई ना कोई ब्रांच मिलता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट का 40,000 में भी मिल गया था। तो कई बार ऐसा होता है, ये जो है ना आपका इसका जो राउंड वन का काउंसलिंग होता है, राउंड वन का कट ऑफ है, ठीक है, इसका राउंड टू, राउंड थ्री, फिर डिसेंट्रलाइज काउंसिल जो होता है वहाँ पे किसी भी रैंक को, मतलब कितना भी रैंक हो, कोई ना कोई ब्रांच मिलता है। कई बार ऐसा होता है जो कि आपका नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, आपका डिसेंट्रलाइज काउंसिल सबसे लास्ट में होता है। वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे जो ब्रांच का, मतलब कोई भी ब्रांच का जो सीट खाली रहता है उसको फिलअप करने के लिए करवाया जाता है, इसलिए कई बार मतलब जिसका रैंक बहुत ज़्यादा आता है उनको भी कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाता है। देन फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका कल्याणी गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोग ही एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बाहर के जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई सीट नहीं है। ये कॉलेज उन्हीं स्टूडेंट लोगों के लिए है जिसके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो और भी कॉलेज है, मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ की बात करें कल्याणी गवर्नमेंट का, तो आपका 952 तक जाता है, ये आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 1945 तक गया है, तो 2000 तक आपको आराम से मिल जाएगा 2000 के अंदर रहेंगे तो। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का 14,000 के आसपास गया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 15,000 के आसपास गया है, सॉरी 1500 के आसपास गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2600 के आसपास गया है। तो इतने ब्रांच देखने को मिलता है आपको कल्याणी गवर्नमेंट में। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन फिर फोर्थ नंबर पर आता है आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट, इसका जो कट ऑफ है लगभग आपका कल्याणी गवर्नमेंट के जैसे जाता है, ठीक है, और ये भी सेम है कल्याणी गवर्नमेंट जैसे ही। यहाँ पे भी सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोग एडमिशन ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आपका मकाउट, इसका कट ऑफ की बात करें तो 2689 का लास्ट ईयर का कट ऑफ किया था, 2600 के अंदर आपका रैंक है तब यहाँ पे आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाहर से हो भी और वेस्ट बंगाल के तब भी, ये दोनों के लिए है। और 4000 के अंदर अगर आपका रैंक है तब यहाँ पे आराम से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। देन फिर 6 नंबर पर आता है आपका रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको पुरुलिया गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका कट ऑफ भी लगभग मतलब मकाउट को जैसे ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि इसका जो प्लेसमेंट है उतना अच्छा नहीं है। और ये कॉलेज जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोगों के लिए है। आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आप लोग के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। आपके पास वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। और सेम जो कट ऑफ मकाउट का है वही सेम कट ऑफ आपका पुरुलिया गवर्नमेंट का ही जाता है। देन फिर 6 नंबर पर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्मिक टेक्नोलॉजी, ये भी आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये जो है सभी के लिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाहर से तब भी एडमिशन ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल के हैं तब भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ की बात करें तो 2700 के आसपास गया है, तो 2700 के अंदर आपका रैंक आता तो आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और 4000 के अंदर रैंक है तो आपको यहाँ पर आराम से आईटी मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी ब्रांच का कट ऑफ लोग पॉज करके मतलब वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब कॉलेज में बाकी ब्रांच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको सीएससी आईटी ब्रांच इसमें मिल जाता है सब कॉलेज में तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बाकी कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। आप लोग कोशिश करना इससे पहले जितने मैंने कॉलेज बताया वही सब एडमिशन लेने का, ठीक है। ये कॉलेज इसके बाद वाला जो कॉलेज आने वाला है इन सभी कॉलेज का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं जाता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तब आप लोग इस सब देख सकते हो, मगर प्लेसमेंट वगैरह आपका अच्छा नहीं होने वाला है। 7 नंबर पर आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, 5,000 के अंदर आपका रैंक है तो आपको आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, लेकिन सेम इसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो इस सब कॉलेज को आप लास्ट में देखना, ठीक है, लास्ट में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तब इसके बारे में सोचना। देन फिर 9 नंबर पर आता है आपका UIT बर्धमान, आपका रैंक आप 8,000 के अंदर है, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आराम से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। 10,000 के आसपास आईटी ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करना ये सब कॉलेज वेडी से नहीं लेने का। अगर बहुत ही ज्यादा मतलब चाहते हो, बहुत ही ज्यादा कि नहीं कुछ भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तब आप लोग इसको देख सकते हो, वरना इससे जो ऊपर वाला कॉलेज है वही समय ट्राई करना है। देन फिर लास्ट और 10 नंबर में कॉलेज आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बहरमपुर,
ABF का गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर है तो आपको आराम से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, 25,000 के अंदर है तो आपको आराम से आपको IT ब्रांच मिल जाएगा, 30,000 तक में आपको यहाँ पे सिविल और आपका केमिकल वगैरह ब्रांच जो है आराम से मिल जाता है, लेकिन प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा और भी काफी सारे कॉलेज है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन उसका मतलब कोई लायक नहीं है, खाली नाम का ही गवर्नमेंट कॉलेज है बस, बाकी प्लेसमेंट वगैरह कुछ उतना खास होता नहीं है। तो ये था आपका टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, WBG के अंदर आता है। तो आप लोग कोशिश करना कि जो टॉप का कॉलेज मैंने बताया, कोलकाता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कल्याणी गवर्नमेंट, मकाउट, यही सब कॉलेज में एडमिशन लेने का, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो कहीं खत्म करते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।